देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में कोठी कोलियान में देर रात दो पक्षों में हुई कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इस खूनी संघर्ष में घायल एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दो लोग का इलाज अभी भी जारी है। घटना के बाद दूसरे पक्ष के लोग मौके से फरार हैं। सूचना पाकर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने बताया कि कोठी कोलियान में उस्मान और चांद बाबू का दूसरे पक्ष के लोगों से झगड़ा हुआ। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने इन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उस्मान की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति हो गई है, जिसको देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। कारखाने के बाहर बैठे थे तो कुछ लोग आए थे, मोबाइल बोला मोबाइल दिखा, मैंने जिम रख लिया था तो थप्पड़ मार दिया, फिर झगड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर आए चार लोग चाकू और जंजीर लेके, तो फिर आते मारने लगे, फिर चाकू से वार कर दिया,